हेलो स्टूडेंट्स साइंस में हम चैप्टर थ्री स्टडी कर रहे हैं फ़ाइबर टू फैब्रिक लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि फ़ाइबर से यार्न किस तरह से बनाया जाता है सो स्टूडेंट्स फ़ाइबर से यार्न बनाने के लिए स्पिनिंग प्रोसेस का यूज होता है अब यार्न से फैब्रिक कैसे तैयार होता है आज इस बारे में सीखेंगे पैराग्राफ थ्री पॉइंट फाइव न टू फैब्रिक देर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्नस द टू मेन प्रोसेसिज आर वीविंग एंड नीटिंग सो स्टूडेंट्स टू में टू प्रोसेस आपको याद रखनी है कि यारन से फैब्रिक बनाने के लिए मेनली टू प्रोसेस यूज होती हैं एक का नाम वीविंग सेकेंड नीटिंग आज हम विविंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे

टू यार्न के सेट से अरेंज करके बनाया जाता है टू सेट्स लिए जाते हैं यार्न के और उनको आपस में अरेंज किया जाता है इस प्रोसेस को वीविंग प्रोसेस कहा जाता है कि यार्न का एक सेट इस तरह से अरेंज किया जाता है और यार्न का दूसरा सेट इनके अंदर से पास किया जाता है इस तरह से तो इस ये एक फैब्रिक तैयार हो जाता है इस प्रोसेस को हम वीविंग प्रोसेस कहते हैं इसे हम एक्टिविटी फाइव में सीखेंगे पेपर स्ट्रिप की हेल्प से यानी जो वेस्ट पेपर मटेरियल होता है उससे हम वीविंग प्रोसेस समझ सकते हैं एक्टिविटी फाइव में आपको क्या करना है टेक टू सीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स कट स्र पीसीज ऑफ लेंथ एंड वीड इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर

स्केयर सीट यानी जिनकी लेंथ और वेड़ इक्वल हो अबाउट थर्टी सेंटीमीटर या उससे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन उनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होनी जरूरी हैं और जैसा फिगर थ्री पॉइंट ट्वेल्थ के ए और बी फिगर में देख सकते हैं टू सीट्स ली गई हैं और इन सीट्स पर अब कुछ लाइंस लगाई गई हैं लाइंस कैसे लगाई गई हैं स्टूडेंट्स इनको बड़े ध्यान से आपको समझना है कि एक पेपर पर इस तरह से लाइन है कि किनारे को कट टच ना करे यहाँ तक और फिर इस तरह से लाइन दोनों पेपर सीट को देखो बच्चों फ़ोल्ड किया हुआ है बीचों बीच तो इस तरह से लाइन लगानी है और इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए लाइनें और दूसरे पेपर को फ़ोल्ड करके लाइन पूरी कट करनी चाहिए हमें पूरी कट करनी है पेपर को ताकि इससे पेपर की स्ट्रिप बन जाए तो इस तरह से दो पेपर्स पे लाइनें लगा के फिर उनको कट करना है एक पेपर इस पेपर से स्ट्रिप तैयार करेंगे और ये पेपर केवल कट किया जाएगा बीच में से किनारे तक कट नहीं करना है सो so, फ्रेंड्स इसके बाद दोनों सीड्स कट बोथ द सीट्स एलोंग द डोटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड कि दोनों सीट्स को जो डोटेड लाइन लगाई हैं वहाँ से कट कर लेना है विव द स्ट्रिप्स वन बाई वन थ्रो द कट्स इन दीट्स सीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर थ्री पॉइंट ट्वेल्व सी फिगर थ्री पॉइंट ट्वेल्व डी शोज द पैटर्न आफ्टर विविंग ऑल द स्ट्रिप्स फिर नेक्स्ट जो फिगर है स्टूडेंट्स थ्री ए सी नंबर फिगर में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का पेपर था उसको हमने केवल कट किया था और जो रेड कलर का पेपर है उसे स्ट्रिप तैयार की थी अब ग्रीन कलर के पेपर में से जब रेड कलर की जो स्ट्रिप हैं उनको जब पास किया जाता है तो इसको वीविंग प्रोसेस कहा जाता है तो इससे डी नंबर फिगर में जैसे देख सकते हैं वीविंग प्रोसेस द्वारा सेम इसी तरह से फैब्रिक तैयार किया जाता है तो आपका इंटरेस्ट हो तो इस एक्टिविटी को करके देख सकते हो इन द सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार आर वुवन टू मेक ए फैब्रिक सो सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स यारन तैयार किया यारन से फैब्रिक तैयार किया जाता है वीविंग प्रोसेस द्वारा द यार आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स ऑफकोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स फिगर थ्री पॉइंट थर्टीन द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड सो स्टूडेंट्स फिगर थ्री थ्री पॉइंट थर्टीन जिसमें हैंडलूम दिखाया गया है एक लेडीज वीविंग प्रोसेस द्वारा फैब्रिक तैयार कर रही है पहले स्टूडेंट्स ये काम इसी तरह हाथ से होता था वीविंग प्रोसेस का आजकल मशीनों से ये काम होता है और फैब्रिक तैयार किया जाता है सो so, स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा वीविंग प्रोसेस के बारे में इसको जरूर रिवाइज कर लेना आपको और नेक्स्ट जो प्रोसेस है नीटिंग नीटिंग प्रोसेस से भी यारन से फैब्रिक तैयार किया जाता है नीटिंग प्रोसेस को एक बार जरूर रीड कर लेना है जिसे हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे और स्टूडेंट्स इसके हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जिन स्टूडेंट्स ने करके नहीं दिखाए हैं वो इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को कॉपी में करके जरूर दिखाए लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं कल लेट्रूफ में एक जो ई नंबर था इसको आज हमने रीड कर लिया है कि वीविंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक सो स्टेंड्स ये ट्रू स्टेटमेंट थी क्योंकि वीविंग प्रोसेस में यारन से फैब्रिक का पीस तैयार किया जाता है ओके स्टेंड थैंक यू